अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, यस यस सर, सर। क्लियर आ रही है। ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं, बाकी सब स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर शुरू करते हैं क्लास। चलिए बेटा, शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा था? सर अटेंडेंस नहीं लेनी। अटेंडेंस बाद में लगाएंगे, अब अभी तक पूरे बच्चे तो आए नहीं है, फिर बाद में वो दोबारा लगवाते रहते हैं। एंड पे ओके लगाएंगे सर, अटेंडेंस। बताएं क्या पनीर के बारे में हमने पढ़ा था। पढ़ा था। पनीर के बारे में एक 14 आइटम होते हैं जो कि यानुस यानो कंटेंट पनीर को कंसीडर प्रोड्यूस करते हैं, और एक होता है एक होता है नट नट एग, क्योंकि पिता ह्यूमैनिटी कानूनिंग बनाता है। अगर तो फिर हमने पढ़ा था कि अगर वो ज्ञानो कलर पीने को नहीं थी, उसमें क्या था, वो अपना ओपन स्कोरिंग आ रहा था तो वो पॉजिटिव होगा, वरना अगर ना शो हो तो वो नेगेटिव होता है। फिर उसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स सामने पड़े थे। ठीक है। अच्छा चलिए बेटा, मुझे ये बताएं कि हमने आई थिंक सेकंड लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की थी कि स्टेफलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस में क्या डिफरेंस होगा, किसी को याद है? अच्छा चलिए आप मुझे कैटालिस्ट कर बताएं। दीजिए सर। बिल्कुल, कैटलेज का डिफरेंस होता है। अच्छा, कौन सा व्यक्ति, कौन सी बैक्टीरिया का ग्रुप है जो कैटलेज पॉजिटिव है और कौन सा ग्रुप नेगेटिव है? सर स्टेफिलोकोकस पॉजिटिव है और स्टेफिलोकोकस सर कैटलिज और ओरियस नहीं, कैटलिज का डिफरेंस पूछना, कौन सा ग्रुप कैटलिज कैटालिन। पॉजिटिव है, कौन सा ग्रुप कैटलिज नेगेटिव है, वो खतीजा ने ठीक बता दिया है। अच्छा, कैटलिज टेस्ट क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड की रिएक्शन होती है जिससे ऑक्सीजन और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। जब वो बबल्स फॉर्म होते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि वो टेस्ट पॉजिटिव है। अच्छा आप मुझे बताएं कि स्टेफ एपिडर्माइटिस कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं? ये तो सर बस प्रोड्यूसिंग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डिजीज, डिजीज, सिस्टाइटिस, एब्नॉर्मलिटीज, सेप्सिस वगैरह। एंडोकार्डाइटिस। अच्छा, कौन सा बैक्टीरिया है जो बायोफिल्म प्रोड्यूस करता है? स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइटिस। ठीक है, चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। एज वी डिस्कस बिफोर, स्ट्रेप्टोकोकाई हमारे पास होते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चेन्स। जो स्टेफाइलोकोकाई हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स, और जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चेन। स्क्रीन शो नहीं हो रही। सॉरी, मैं शेयर करना भूल गया था। ठीक है, पिछले लेक्चर हमने पढ़ा, पहले सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो स्टेफाइलोकोकाई होते हैं वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर्स, और जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन चेन्स।
जो स्टेफाइलोकोकाई होते हैं वो कैटलिस्ट पॉजिटिव होते हैं, और जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं वो कैटलिस्ट नेगेटिव हैं। अब हम स्ट्रेप्टोकोकाई को डिस्कस करें तो उसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट सॉरी। अच्छा, जो जो हम स्ट्रेप्टोकोकाई की क्लासिफिकेशन करते हैं वो डिफरेंट, वो हम कर सकते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बेस पे। अगर हमारे पास सर, जी सर मेरा मैं आपके ना सेक्शन ए में एनरोल। बेटा, सेक्शन ए में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, तो आप फिर इसी क्लास के साथ ही क्लासेस ले लें। अब आपके लिए सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग चीज नहीं कनेक्ट कर सकता। नहीं सर, मुझे आपका सेक्शन ए का वो नहीं आता, लिंक नहीं आता। बेटा सेक्शन ए कल परसों ही क्रिएट हुआ है, ठीक है। जी और अफनान कह रहा था कि आपको मैं आपकी क्लासेस मैं फिर इसी सेक्शन के साथ ही ले लूं, ठीक अच्छा है। ठीक है, ठीक है सर। चलें। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे कि स्ट्रेप्टोकोकाई को हम डिफरेंट चीज़ों की बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बेस पे कर सकते हैं, हेमोलिसिस की बेस पे कर सकते हैं, लैंसिफिट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बेस पे क्लासिफाई करें तो उसमें हमारे पास आते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया नीड्स ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एटीपी वाया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो हमारे पास मोस्टली फर्मेंटेशन के थ्रू एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। और जो फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, अगर उनको ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो वो यूज़ कर लेंगे, अगर उनको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो यूज़ नहीं करेंगे, वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज़ करते हुए अपने लिए एटीपी प्रोड्यूस कर लेंगे। उसके अलावा हम स्ट्रेप्टोकोकाई को हेमोलिसिस की बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। हेमोलिसिस की जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तीन टाइप्स हैं, अल्फा हेमोलिसिस है, बीटा हेमोलिसिस है, गैमा हेमोलिसिस है। उसके अलावा हम लैंसिफिल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लैंसिफिल क्लासिफिकेशन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने फिलहाल बस ये याद रखें कि हेमोलिसिस की बेस पे कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं और कौन सा बैक्टीरिया अल्फा हेमोलिटिक है, कौन सा बीटा हेमोलिटिक है और कौन सा गैमा हेमोलिटिक है। अल्फा हेमोलिसिस जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि हमारे पास पार्शियल हेमोलिसिस होती है, इसमें ब्लड एगर पे ग्रीनिश डिसकलरेशन होगी अराउंड द कॉलोनीज, और इसमें आते हैं हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। उसमें हमारे पास ये दो टाइप्स हैं कि निमोनिया और विरिडेंस। जो बीटा हेमोलिटिक है उनमें हमारे पास कंप्लीट हेमोलिसिस होती है। जो हमारे पास बीटा हेमोलिटिक है उसमें हमारे पास कंप्लीट हेमोलिसिस होगी, क्लियर जोन ऑफ हेमोलिसिस होगा अराउंड द कॉलोनीज, और इसमें हमारे पास आएंगे ग्रुप ए और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। गैमा हेमोलिसिस एज वी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर, इसमें कोई हेमोलिसिस नहीं होती है, और इसमें आते हैं ग्रुप डी एंटेरोकोकस स्पीशीज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्लाइड्स भी दिखाई थी कि जो बीटा हेमोलिसिस होगी उसमें कंप्लीट हेमोलिसिस होगी और साथ में क्लियर जोन होगा। अल्फा हेमोलिसिस हमारे पास पार्शियल हेमोलिसिस होगी, क्लियर जोन नहीं होगा और कॉलोनी सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर, माइक ग्लिच है। डेटा ऑन करना सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ग्लिच हो गया। नेट खराब है। कोई ऐसी बोल ही नहीं रहे, नेट का मसला नहीं है।
सर रीस्टार्ट करें, ग्लिच है। सर की एम एस आई आ रही है। सर पानी पी के आते हैं। पानी पी के आ जाएगी आवाज। क्या बातें कर रहे हैं सर? का रोजा होगा जो पानी पी के आएंगे। नाइस नल्ले। सर तो लेफ्ट कर गए हैं। सर लेफ्ट कर गए छुट्टी करो। yes, ओ
ये किधर गया है रोना जैन साहब, सर का डाटा जिन करवा रहा है। इस्मा अब आप पढ़ा दो। इस्मा हेलो, इस्मा जी क्या मसला है? ये पढ़ाने वाला जैन, जैन और इस्मा दोनों मिलके पढ़ाओ भाई। इस्मा इन बच्चों को पढ़ने का बहुत शौक है यार, पढ़ा दो। हमने कुछ और पढ़ा देना इनको गलत। भाई मैं लीव कर रहा हूँ, रमजान है। जिदी डिग्री मिलनी है इन्हें। नया लिंक आए हो सकता है। हाँ आपको सारा अच्छा, क्या टाइमिंग चला है? है? मुझे सर के साथ मेरी दोस्ती है ना, वो एक मुझे पूछ रहा है स्क्रीनशॉट कैसे लिया, किधर गया हसन? हाँ इधर ही हूँ। और जानी जब नजरी कुछ नहीं आ रहा होगा मैं स्क्रीनशॉट के साथ। अरे आ गए मीटिंग में। बेटा यूनिवर्सिटी में लाइट चली गई थी जिस वजह से मेरा सिस्टम बंद हो गया था। जी सजीदा सर ये कह रहे थे आप पानी पीने जाएंगे। पानी पीने जाना है क्या? शुरू करते हैं, काफी टाइम वेस्ट हो गया हमारा पहले ही। तो हम यहाँ पहुंचे थे कि हेमोलिसिस कैसी होगी। सबको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? ठीक है। बेटा स्ट्रेप्टोकोकाई में डिफरेंट, स्ट्रेप्टोकोकाई एक ग्रुप है, उसमें डिफरेंट बैक्टीरिया आते हैं, जिसमें ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनिस कहते हैं, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस ए गैलेक्टी कहते हैं, फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस हैं, या फिर विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई हैं, उसके बाद एंटेरोकोकस हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनिस। Streptococcus pyogenes is found on the skin and in the oropharynx in small numbers. मतलब कि skin और oropharynx में it is a part of natural flora और skin infection और pharyngitis cause कर सकता है। जो group A strept, यहाँ पे Streptococcus pyogenes है, ये basically तीन mechanism के through diseases cause कर सकता है। जो pyogenic inflammation है वो local inflammation होगी है, and it usually occur at the site of presence of organism, मतलब कि जहाँ पर tissue में organism present होगा वहाँ पे infection cause करेगा और इसे हम कहते हैं pyogenic inflammation। उसके अलावा ये exotoxins के सर आपकी आवाज बीच में चली जाती है। सबके लिए सेम इशू आ रहे हैं सिर्फ आयशा के लिए? नो सर। आयशा आपका फिर ऑब्वियसली नेट का इशू है। जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई तीन डिफरेंट तरीकों से डिजीजेस कॉज कर सकता है। उसमें हमारे पास आती है पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन है, एक मिनट बेटा। सबको समझ है, लेक्चर सारा इंग्लिश में ही होता है ना, पेपर सब इंग्लिश में देना होता है समझाने के लिए, तो वो जुबान होनी चाहिए। नबिया नबिया माइक में बोलो। सॉरी बेटा बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है आज। अच्छा सो एज आई वाज सेइंग के पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन होगी विच इज पायोजेनिक इन्फ्लेमेशन वहाँ पर होगी जहाँ पर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा। उसके अलावा एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन हो सकता है, एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन के थ्रू भी डिजीजेस कॉज हो सकती हैं। एक्सोटॉक्सिन बैक्टीरिया जब बॉडी में एंटर होगा तो वो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, फिर एक्सोटॉक्सिन बॉडी में जाके कहीं पे भी डिजीज कॉज कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है इम्यून फिनोमेना। इम्यून फिनोमेना में बेसिकली ये होता है कि आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, और फिर वो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के टिश्यूज के साथ ही क्रॉस चेक करना शुरू कर देती हैं, और उसे कहते हैं, और वो हमारे पास फिर इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना के थ्रू डिजीजेस डिवेलप होती हैं।
अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी डिजीजेस डेवलप हो सकती हैं। अगर पायोजेनिक की बात करें तो लोकल में हमारे पास इम्पेटाइगो, सेल्यूलाइटिस और फ्रिंजाइटिस हो सकता है, और डिसेमिनेटेड में हमारे पास सेप्सिस हो सकता है। टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीजेस की बात करें ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की, तो उसमें आएगा स्कारलेट फीवर और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और इम्यून मीडिएटेड डिजीजेस की बात की जाए तो उसमें हमारे पास आएगा रिमेटिक फीवर, या फिर रिमेटिक फीवर, उसके अलावा पीएसजीएन। पीएसजीएन को हम एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस की, वो है फेरिंजाइटिस। फ्रिंजाइटिस इट इज़ द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ फ्रिंजाइटिस। फ्रिंजाइटिस मतलब सोर थ्रोट है, इससे पेशेंट को फीवर होगा, थ्रोट पेन होगी, स्वॉलन टॉन्सिल्स होंगे, एंड इनफ्लेम थ्रोट एंड टॉन्सिल ऑफन विद अ येलोविश एक्सुडेट आर फाउंड विच इज अकॉम्पनीड बाय टेंडर सर्विकल लिम्फेडनोपैथी। मतलब अब किसी आपको पता ही है कि फ्रिंजाइटिस में क्लासिक क्लिनिकल पिक्चर क्या होती है, पेशेंट को फीवर होता है, थ्रोट पेन होती है, टॉन्सिल्स इनफ्लेम होते हैं, और उनके ऊपर येलोविश मेम्ब्रेन होगी और सर्विकल लिम्फ नोड्स की इनलार्जमेंट होगी। If untreated spontaneous recovery usually occur in 10 days, but rheumatic fever may occur. Untreated pharyngitis may extend to the middle ear. Middle ear तक अगर extend करेगा तो कहेंगे otitis media, वहाँ से sinusitis भी हो सकता है, mastoiditis भी हो सकता है, और इसके अलावा meningitis भी हो सकता है। अगर आप फ्रिंजाइटिस को ट्रीट नहीं करते तो ये मोस्टली विद इन 10 डेज में खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाता है, और ये जो चीज़ें हैं ओटाइटिस मीडिया, मैस्ट्रोडाइटिस, साइनसाइटिस, ये बहुत रेयर हैं ड्यू टू ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। लेकिन ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की जो सबसे कह लें कि वरीसम हमारे पास कॉम्प्लिकेशन है, वो है रूमेटिक फीवर और पीएसजीएन। पीएसजीएन होता है हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसे हम एजीएन या फिर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं। अगर पेशेंट को फ्रिंजाइटिस है और आप उसे एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं करते तो उससे फिर इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना के थ्रू या तो पेशेंट को रूमेटिक फीवर डेवलप हो सकता है या फिर पेशेंट को पीएसजीएन डेवलप हो सकता है। उसके अलावा पेशेंट में जो टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीजेज हैं उसमें आता है स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर में पेशेंट में जो क्लासिक सिम्टम होता है स्ट्रॉबेरी टंग, मतलब टंग पेशेंट की इन्फ्लेम्ड होगी, स्वॉलन होगी और रेड होगी। यहाँ पर हमें बैक्टीरियल और वायरल फ्रिंजाइटिस में डिफरेंस दिखाया गया है। अब बैक्टीरियल फ्रिंजाइटिस में हमारे पास टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा स्वॉलन होते हैं, उनके ऊपर येलोविश एक्सुडेट होंगे, यूवेला हमारे पास स्वॉलन होगा, वाइटिस पॉर्स होंगे। लेकिन जो हमारे पास वायरल फ्रिंजाइटिस होता है उसमें टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन ना तो इतनी ज़्यादा होती है, ना ही उनके ऊपर येलोविश मेम्ब्रेन होती है, यूवेला की भी स्वेलिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, और जो वायरल फ्रिंजाइटिस है वो जल्दी ठीक हो जाता है। बैक्टीरियल फ्रिंजाइटिस कैन टेक अप टू 10 डेज। बेटा सबको समझ आ रही है, मैं तेज नहीं चल रहा? यस सर, आ रही है समझ। ठीक है। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन की बात की जाए तो स्किन में हमारे पास सेल्यूलाइटिस, नेक्रोटाइजिंग फैशियाइटिस और इम्पेटाइगो कॉज कर सकते हैं। इम्पेटाइगो में हमारे पास इम्पेटाइगो इज मोस्ट कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन, और इसमें हमारे पास हनी क्रस्टेड लीजन्स होंगी फेस पे, मोस्ट कॉमनली ऑन द जॉ और बिहाइंड द ईयर्स। और एंडोमेट्राइटिस हमारे पास प्रेगनेंट फीमेल्स में होगी, और उसके अलावा सेप्सिस हो सकता है। ये हमारे पास इम्पेटाइगो की क्लासिक प्रेजेंटेशन है, मोस्टली हमारे पास चिन पे होगी या फिर कानों के पीछे होगी, और इसमें ऐसे ही येलोविश, हनी क्रस्टेड या फिर गोल्ड क्रस्टेड लीजन्स होगी, और ये कंटीजियस बहुत ज़्यादा होती है। बाकी ये इजीली ट्रीटेबल है, इतनी वरीसम डिजीज नहीं है। अगर हम टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीजेस की बात करें ग्रुप ए स्टेप के, तो स्कारलेट फीवर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें पेशेंट की स्ट्रॉबेरी शेप टांग होगी। अब आपको याद होगा कि स्टैफोरिस भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करता है। क्या आपको याद है कि स्टैफोरिस के टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में पेशेंट को क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं, कोई बता सकता है? किसी को नहीं याद? बेटा सो रहे हैं सब? सर आपने क्या बोला? मतलब सो ही रहे हैं सब। स्टैफोरिस का जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, किसी को याद है? स्टैफिलोकोकस ऑरियस जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज करता है उसमें क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं? अच्छा, फीवर, डायरिया होता है और हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया भी हो सकता है।
स्किन रैशेज हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, और अगर ट्रीट ना करेंगे तो इससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, स्किन रैश कैसी होती है और कहाँ पे होती है? स्किन रैश मोस्टली, स्किन रैश वैसे तो पूरी बॉडी पे होती है, लेकिन है पाम और सोल्स पे प्रीडोमिनेंट होती है, और वहाँ पर क्रस्टिंग भी हो सकती है, मतलब स्केलिंग होगी और क्रस्टिंग होगी। अब जो ग्रुप ए स्ट्रेप के स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनिस का टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, उसमें भी बिल्कुल सिमिलर साइंस और सिम्टम्स होंगे। डिफरेंस ये है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनिस का टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, उसमें पेशेंट को रैश नहीं होगी, स्किन रैश नहीं होगी उसमें, बाकी सारी क्लिनिकल फाइंडिंग सेम होगी। अगर बात करें एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, या फिर जिसे हम PSGN भी कहते हैं, इट मोस्ट कॉमनली अकर 2 to 3 weeks आफ्टर अ स्किन इन्फेक्शन बाय अ सर्टेन ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। AGN इज मोर फ्रीक्वेंटली सीन आफ्टर द स्किन इन्फेक्शन, लेकिन ये फ्रिंजाइटिस के बाद भी हो सकता है। AGN या PSGN में पेशेंट को साइन सिम्टम्स क्या होंगे? उसमें पेशेंट को हमारे पास हाइपरटेंशन होगी, फेशियल एडिमा होगा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा, और उसके अलावा पेरी टिबियल एडिमा होगा, और उसके अलावा कोला कलर्ड यूरिन या फिर हेमाचूरिया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हाइपरटेंशन, फेशियल एडिमा, पेरी टिबियल एंड पेरी ऑर्बिटल एडिमा, उसके अलावा स्मोकी यूरिन, जिसे या फिर इसे हम कोला कलर्ड यूरिन भी कहते हैं, और वो बेसिकली हेमाचूरिया होता है। मोस्ट पेशेंट रिकवर स्पॉन्टेनियसली, री इन्फेक्शन विद स्ट्रेप्टोकोकाई रेयरली लीड टू द रिकरेंस ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर एक दफ़ा एक पेशेंट को PSGN हो जाए, तो दोबारा पेशेंट को ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की इन्फेक्शन के बाद PSGN होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ये डिजीज होती क्यों है? इसमें बेसिकली जो हमारा इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, वो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में बाइंड करते हैं, और उनकी डिपोजिशन होती है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और उसकी वजह से हमारे पास PSGN के क्लासिक क्लिनिकल पिक्चर आती है। दिस डिजीज इज इनिशिएटेड बाय एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स इन ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड सोल्युबल एंटीजन्स फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकल मेम्ब्रेन मे बी द इनसाइटिंग एंटीजन। ये एक निमोनिक है, ताकि आपको आसानी से याद रहे कि एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होंगे फ्रॉम रिसेंट स्ट्रेप इन्फेक्शन, और वो कहाँ पे डिपॉजिट होंगे? वो डिपॉजिट होंगे ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी और GFR हमारे पास कम होगा, पेशेंट की हमारे पास हेडेक होगी, हाइपरटेंशन होगी, फेशियल या फिर पेरिओर्बिटल एडिमा होगा, पेरिटिबियल एडिमा होगा, उसके अलावा हमारे पास लो ग्रेड फीवर, वेट गेन और प्रोटीन यूरिया, हेमाचूरिया, ओलिगोयूरिया, डिस्यूरिया हो सकता है। इसमें जो मोस्ट कॉमन फाइंडिंग है वो होती है हेमाचूरिया, ठीक है, और ये 2 to 3 weeks के बाद होगा, और फिर 2 to 3 weeks में खुद ही रिजॉल्व भी हो जाता है। आपने सिर्फ पेशेंट की सपोर्टिव मैनेजमेंट करनी होती है। यहाँ तक सबको समझ आ रही है? यस सर। अब दूसरा जो इम्यून मेडिएटेड डिजीज है विच कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन इज रूमेटिक फीवर। अब रूमेटिक फीवर क्यों होता है? रूमेटिक फीवर होता है मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से। मॉलिक्यूलर मिमिक्री सेम वही चीज़ है जो आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बैक्टीरिया की एक एम प्रोटीन है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, और वो एंटीबॉडी आपके बॉडी के नॉर्मल टिश्यू और सेल्स के साथ क्रॉस चेक करना शुरू कर देती है। इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री। और जो एक्यूट रूमेटिक फीवर है, इट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मिमिक्री। आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास PSGN है, उसमें जो सारी क्लिनिकल पिक्चर आ रही है वो एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपॉजिट की वजह से आ रही है, और एक्यूट रूमेटिक फीवर में जो क्लासिक क्लिनिकल पिक्चर आती है वो सिर्फ एंटीबॉडीज की वजह से आती है। उसमें एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो रहे हैं, इसमें सिर्फ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, वो डिफरेंट सेल्स पे जाके एंटीजन के साथ बाइंड करेगी, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करेगी, और उसके थ्रू सेलुलर डैमेज को मीडिएट करेगी। ठीक है बेटा। एक्यूट रूमेटिक फीवर अप्रॉक्सीमेटली ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की इन्फेक्शन के 2 to 3 weeks के बाद हो सकता है। इसका जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो जॉन्स क्राइटेरिया है। अब जॉन्स क्राइटेरिया में 2 चीज़ें आती हैं, उसमें एक आता है माइनर क्राइटेरिया, एक आता है मेजर क्राइटेरिया। माइनर क्राइटेरिया में पेशेंट को, माइनर क्राइटेरिया के लिए जो रिक्वायरमेंट है वह ये है कि पेशेंट का फीवर हो और एलिवेटेड ESR हो और CRP हो, उसके अलावा ASO टाइटर्स और anti-GD-IgA भी एंटीबॉडी टाइटर्स हो। ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो मेजर क्राइटेरिया है उसमें आता है जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स क्राइटेरिया में जो फर्स्ट लेटर है J,
उसमें हमारे पास जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, उसमें हमारे पास पेशेंट को माइग्रेटरी पोलियोआर्थराइटिस होगा, ओ हमारे पास निमोनिया हार्ट के लिए, उसमें पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। एंड से हमारे पास आते हैं सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स होंगे, ई से है एरिथेमा नोडोसम है, और ऐसे है सिडेनहाइम सिडेनहाइम कोरिया। चलिए आप स्लाइड से पढ़ते हैं। Urinary fever occur approximately 2 weeks after a group A streptococcal infection, usually pharyngitis. Rheumatic fever is characterized by fever, migratory polyarthritis, cholangitis may also develop. Asoditis होंगे, उसके अलावा asoditis इसके minor criteria में आते हैं और diagnosis के लिए बड़े important होते हैं। Rheumatic fever is due to an immunological reaction between the cross-reacting antibodies to certain streptococcal M protein and antigen of the joint, heart and brain tissue. It is an autoimmune disease greatly exacerbated by the recurrence of streptococcal infection. एक डिफरेंस ये भी होगा कि PSGN में, PSGN एक दफ़ा हो गया ना तो दोबारा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन अगर पेशेंट को एक दफ़ा एक्यूट रूमेटिक फीवर हो गया है और उसके बाद उसे दोबारा ग्रुप ए स्ट्रेप की इन्फेक्शन होती है, तो उसके बाद दोबारा फिर से रूमेटिक फीवर हो सकता है। ये हमारे पास फ्रिंजाइटिस की पिक्चर है फिर से, और ये सेलुलाइटिस की पिक्चर है। इसके विरोलेंस फैक्टर्स क्या होते हैं, ग्रुप ए स्ट्रेप के विरोलेंस फैक्टर्स क्या होते हैं? ग्रुप ए स्ट्रेप के जो इन्फ्लेमेशन रिलेटेड एंजाइम है उसमें आएगा हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन और टिश्यू में हाइलुरोनिक एसिड को हाइड्रोलाइज करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, जो बैक्टीरिया को सिस्टेमिक स्प्रेड में हेल्प करते हैं। उसके अलावा स्ट्रेप्टोकाइनेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं। और उसके अलावा डीएनएज हैं जो कि नेक्रोटिक टिश्यू में डीएनए को डिग्रेड करेंगे। टॉक्सिन की बात करें तो एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन है, एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैश ऑफ स्कारलेट फीवर। उसके अलावा स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस हैं, ये दोनों टॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल हैं बैक्टीरिया की बीटा हेमोसिस के लिए। और उसके अलावा जो एसोटाइटर्स हैं एंड वो हमारे पास एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ मतलब कि स्ट्रेप्टोलाइसिन एस के गेस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं और वो हम डायग्नोसिस में यूज़ करते हैं, तो स्ट्रेप्टोलाइसिन एस की ये भी सिग्निफिकेंस है अदर देन बीटा हेमोसिस। उसके अलावा पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन ए है विच कॉजेस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, और एक्सोटॉक्सिन बी है विच इज अ प्रोटीएज। तो डायग्नोसिस के लिए हम बेसिट्रेसिन टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिट्रेसिन अब जो हमारे पास ग्रुप ए स्टेप है वो बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है, जिस तरह से हमने बात की थी स्टेफ एपिडर्माइटिस और स्टेफ सेप्रोफेटिकस की, कि वो हमारे पास जो स्टेफ एपिडर्माइटिस है वो हमारे पास नोवोबायोसिन सेंसिटिव है, जो स्टेफ सेप्रोफेटिकस है वो नोवोबायोसिन रेजिस्टेंट है। इसी तरह से जो हमारे पास ग्रुप ए स्टेप है ये बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है। ये हमारे पास बेसिट्रेसिन सेंसिटिविटी टेस्ट दिखाई हुई है कि यहाँ पर हमने बेसिट्रेसिन की टैबलेट प्लेस की है और उसकी सराउंडिंग में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा, मतलब जो यहाँ पे बैक्टीरिया है वो बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है विच इज यूजुअली ग्रुप ए स्ट्रेप, और जो बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है वो हमारे पास मोस्टली ग्रुप बी स्ट्रेप होता है। ठीक है बेटा, डायग्नोसिस की हम बात कर चुके हैं कि द टाइटर ऑफ एएसओ एंटीबॉडी कैन बी इंपॉर्टेंट इन द डायग्नोसिस ऑफ रूमेटिक फीवर इन पेशेंट सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग रूमेटिक फीवर एंड एलिवेटेड एएसओ टाइटर इज टिपिकली यूज्ड एज एविडेंस ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन बिकॉज थ्रोट कल्चर रिजल्ट्स आर ऑफन नेगेटिव एट द टाइम द पेशेंट प्रेजेंट विद रूमेटिक फीवर। तो बेटा रूमेटिक फीवर का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, उसमें पहले मैं एक चीज मिस कर गया था, उसमें है कि माइनर क्राइटेरिया है, मेजर क्राइटेरिया है और एविडेंस ऑफ पास इन्फेक्शन है, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। जो एविडेंस ऑफ पास इन्फेक्शन है वो हम जज करते हैं थ्रू एएसओ टाइटर्स या फिर एंटी डीएनएज बी एंटीबॉडी टाइटर्स के थ्रू। जो हमारे पास है माइनर क्राइटेरिया उसमें आएगा एलिवेटेड ईएसआर और सीआरपी, और जो हमारे पास मेजर क्राइटेरिया है उसमें आएगा जॉन्स, जे स्टैंड फॉर जॉइंट्स, मतलब पेशेंट को माइग्रेटरी पोलियोआर्थराइटिस है। माइग्रेटरी पोलियोआर्थराइटिस क्या होता है कि पेशेंट के एक जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग होगी, फिर वो जॉइंट की जो इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग है वो खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएगी और वो उसके बाद कोई और जॉइंट इन्वॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले नी जॉइंट इन्वॉल्व था, उसके बाद एल्बो इन्वॉल्व हो जाएगी, इसे हम कहते हैं माइग्रेटरी पोलियोआर्थराइटिस। उसके अलावा एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस में पेशेंट को हार्ट का मर्मर आ सकता है, मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस में पेशेंट को सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है, या फिर पेरिकार्डाइटिस जिसमें पेशेंट को सिंपल चेस्ट पेन हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास
subcutaneous nodules हो सकते हैं, ठीक है, erythema nodosum हो सकता है, erythema nodosum हमारे पास, sorry, erythema marginatum हो सकता है, erythema marginatum में patient को जो body rash होती है, उसके margins काफी raised होते हैं और red होते हैं, उसके अलावा Sydenham chorea हो सकता है, Sydenham chorea basically dancing movements होती हैं body के different parts की, mostly हमारे पास arms की होती हैं, तो rheumatic fever में हमारे पास तीन चीजें होनी चाहिए, evidence of past infection which is through ASO titers and anti-DNSB antibody titers. उसके अलावा minor criteria आएगा, minor criteria में आएगा elevated ESR और CRP और major criteria में आएगा Jones. आपने उसके अलावा आपको ये तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास anti-DNSB antibody titers भी आप यूज़ कर सकते हैं as a evidence of past infection. आप ट्रीट कैसे करेंगे, आप ट्रीट करते हैं पेंसिलिन जी या फिर अमोक्सिसिलिन के साथ, लेकिन नाइदर ऑफ दीज ड्रग्स ट्रीट रूमेटिक फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्योंकि जो हमारे पास रूमेटिक फीवर है और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, दे डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना, नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. आप ओरल पेंसिलिन दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन और उसके अलावा क्लिंडामाइसिन भी दे सकते हैं. और आपने प्रिवेंशन कैसे करनी है, वैसे तो प्रिवेंशन के लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, प्रिवेंशन का सिर्फ एक ही तरीका कि एज सून एज पेशेंट डिवेलप द इन्फेक्शन, आप पेशेंट को जल्द से जल्द ट्रीट करें विद एंटीबायोटिक. और उसके अलावा अगर पेशेंट को रूमेटिक फीवर है तो फिर आपने पेशेंट को बेंजाथिन पेंसिलिन का ट्रायल सॉरी बेंजाथिन पेंसिलिन का प्रोफिलैक्सिस देना होता है रेंजिंग फ्रॉम सेवरल मंथ्स टू सेवरल इयर्स. वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कैसी क्लिनिकल पिक्चर थी ड्यूरिंग रूमेटिक फीवर, और उस पर डिपेंड करता है कि फिर आपने पेशेंट को कितना लंबा प्रोफिलैक्सिस देना है. देयर इज नो एविडेंस दैट अ पेशेंट हु हैव हैड एजीएन रिक्वायर सिमिलर पेंसिलिन प्रोफिलैक्सिस. उसकी वजह क्या है, क्योंकि पेशेंट को अगर एक दफ़ा एजीएन हो जाए तो उसके बाद पेशेंट को दोबारा एजीएन नहीं हो सकता, चांसेस बहुत कम होते हैं. तो इसलिए आप एजीएन में पेशेंट को प्रोफिलैक्सिस नहीं देते, लेकिन अगर पेशेंट को रूमेटिक फीवर हो तो उसमें आप प्रोफिलैक्सिस देते हैं. और इस प्रिवेंशन के लिए कोई भी वैक्सीन तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है. बेटा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं. जो हमारे पास है ये ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोक है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर. आप मुझे बताएं कि व्हाट इज एजीएन, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जी क्या है, उस पेशेंट को क्या साइन सिम्टम्स होंगे? Hypertension, edema of face, periorbital edema, hematuria. ठीक बता रही हैं आप. अच्छा, आप rheumatic fever का diagnose कैसे करेंगे? किसी को नहीं पता? ASO titer. हाँ ठीक है, मतलब सिर्फ सोबे लेक्चर सुन लिया, बाकी सब तो सो ही रहे हैं. चलिए बेटा अगले लेक्चर में पढ़ के आइएगा, अभी आपकी अटेंडेंस लगा लेते हैं. सर बाय बेसिक ट्रेसिंग टेस्ट? नहीं बेटा, मैं रूमेटिक फीवर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पूछ रहा हूँ. चलिए नेक्स्ट लेक्चर में ना पढ़ के आइएगा सारा. अटेंडेंस शुरू करें सबकी. यस सर. चले अब्दुल रहमान प्रेजेंट सर. आकाश रोबिन, अक्षर रोबिन सॉरी. बेटा किसी को पता है कैसे प्रनाउंस करना है ये नाम? आई गेस वो एब्सेंट है. आदिल जी अक्सर रॉबिन. ठीक है. आदिल रियाज प्रेजेंट सर. अफीफा सज्जाद, अफीफा सज्जाद. आईएमआईआर प्रेजेंट सर. अहमद अली प्रेजेंट सर. इमर नसीर प्रेजेंट सर. आयजा हाशमी प्रेजेंट सर. आयजा राशिद प्रेजेंट सर. अमीरा इरफान प्रेजेंट सर. आमना फरूक प्रेजेंट. अन्नम असलम. अनिला नासिर
अक्दस इकबाल प्रेजेंट सर अक्सा जवेद प्रेजेंट सर अक्सा मुकद्दस प्रेजेंट सर अक्सा मुश्ताक प्रेजेंट सर अरिबा हसन प्रेजेंट अरिबा जमील खान अरिबा जाहिद प्रेजेंट सर अरीज आसिफ प्रेजेंट सर अरीज रबानी यस सर अरुषा सैयद प्रेजेंट सर अतरुबा असलम प्रेजेंट सर अतिया अशरफ प्रेजेंट सर ओन अहमद सिद्दीकी प्रेजेंट सर आयशा हसन प्रेजेंट सर आयशा जमशेद प्रेजेंट सर आयशा मुगल प्रेजेंट सर आयशा रिजवान सर आयशा समैया प्रेजेंट सर अस्का तारिक प्रेजेंट बशेर अशरफ प्रेजेंट बीनिश सहाग प्रेजेंट सर ईमान तोकीर प्रेजेंट सर इशा तेरसिया प्रेजेंट सर ईमान अनवर प्रेजेंट सर ईशा मुबारक फरीहा फातिमा प्रेजेंट फसीहा जाहिद फातिमा इफ्तिखार प्रेजेंट फातिमा कासिम फिजा नवीद प्रेजेंट सर अच्छा फिजा नवीद प्रेजेंट सर फिजा नवीद गुलशन सलीम प्रेजेंट सर हबीबा अफजल प्रेजेंट सर हाफिजा लाइबा तोकीर प्रेजेंट सर हाजरा तारिक प्रेजेंट सर हिना अब्बास हिना अरशद प्रेजेंट सर हीरा महबूब हीरा तबस्सुम प्रेजेंट सर हुमा जास प्रेजेंट सर हुमैरा सईद हुमायूं इकबाल प्रेजेंट सर इफ्जा इदरीस प्रेजेंट सर क्रास्कर प्रेजेंट इकरा नजीब प्रेजेंट इकरा कासिम प्रेजेंट सर इकरा रफीक प्रेजेंट इकरा रियाज प्रेजेंट रीज आमिर ईशा सनाउला प्रेजेंट सर इस्मा प्रेजेंट सर दिजाल मास प्रेजेंट सर खतीजा साजिद प्रेजेंट खतीजा अकबर खतीजा शकील खतीजा जफर प्रेजेंट सर खिजरा अशरफ किंजाकुल प्रेजेंट सर कोनेन फातिमा प्रेजेंट सर लाइबा सरफराज लाइबा जिया महानूर आसिफ प्रेजेंट महद महमूद कुरैशी प्रेजेंट प्रेजेंट महीन शवेब प्रेजेंट सर महानूर खान महानूर तारिक महरुख तारिक ताहिर प्रेजेंट मायरा अफजल मुनाहिल कामरान मुनाहिल काशिफ प्रेजेंट मारिया मंशा प्रेजेंट सर मरियम राशिद प्रेजेंट सर मरियम सैफ प्रेजेंट सर मरियम इम्तियाज प्रेजेंट सर मासूमा जाहरा
Mehak Jahan. Present, sir. Mubeen Tanveer. Present, sir. Momin Asif. Present, sir. Muhammad Hassan Sarwar. Present, sir. Muhammad Sarmat. Muhammad Zain Raza. Present, sir. Munazza Zaheer. Present, sir. Nabia Tahir. Present, sir. Naveel Kamar. Present, sir. Neha. Present, sir. Nimra. Present. Nimra Naqvi. Present. Nimra Shahzad. Present, sir. Noor Fatima 136. Noor Fatima 017. Noor Fatima 102. Sir, present 102. Kaisar Jahan. Present, sir. Razia Naeem Akhtar. Present, sir. Rabia Ali. Present. Rabia Habib. Rabia Liaqat. Present, sir. Rabia Salman. Present, sir. Rifia Naz. Rao Moizur Rahman. Present. Rahman Nadeem Khan. Present. Rahman Tariq. Present, sir. Rida Zainab. Present. Rizwanul Haq. Present. Rubia Imran. Present, sir. Rukaiya Akbar. Sadaf Alias. Present, sir. Sadia Adil. Present, sir. Sadia Badar Parasha. Present. Saifa Zafar. Present. Saira Mehboob. Present. Samira. Present, Sana Shahzadi. Present, sir. Sana Shahzadi. Sara. Sara Ali. Present. Sara Riaz. Present, sir. Savera Farooq. Shaila Iqbal. Present, sir. Chidra Abbas. Chidra Abbas. Chidra Tahir. Present. Chidra Tahir present, hai? Yes, sir. Sitara Bukhar. Present, sir. Sobia Mansoor. Present, sir. Soha Amir. Present. Sulwa Asgar. Present. Sumaira Nawaz. Present, sir. Sayyida Ghanwa Bukhari. Present, sir. Sayyida Nurul Ainin. Present. Sayyida Zukhruf Aziz. Present. Tanjeel Fatima. Present, sir. Tahreem Khalid. Present, sir. Tuba Sabir. Present, sir. Ushna Nassar. Present, sir. Visha Tahir. Varda Fatima. Present, sir. Sir, Visha Tahir present. Varda Fatima. Present. Varda Mustaqim. Present, sir. Zahid Hussain. Yes, sir. Zara. Zahira. Zain Ali Abbas. Yes, sir. Zain Iskar. Yes, sir. Zainab Imran. Present, sir. Zainab Saleem. Present, sir. Zarmeen Tahir. Present, sir. Jeenat Anwar. Present. Doha Ahmed. Present, sir. Sir, Rehman ki uska net connect ho raha baar. Rehman Tariq ki lagi hui hai. Excuse me, sir. Section A walon ki attendance. Beta, wo bhi ek hi student hai, main laga deta hoon. Ek minute, main dekhi hoon Rehman ki.
सर मेरे अलावा अगर सेक्शन ए में कोई भी नहीं है तो मुझे आप किसी तरह बी सेक्शन में एनरोल नहीं करवा सकते? आपका कोई क्लैश वगैरह आ रहा है कोर्सेज का आपस में, इसलिए आपको बी में भी एनरोल नहीं कर रहे, वो अफनान कर देगा आपको। रहमान तारिक प्रेजेंट है। आपकी बेटा रमजान के बाद बी में आप आ जाएंगी। जी ठीक है सर। सर पे मुझे बी सेक्शन के एलएमएस में एनरोल कर दें, क्योंकि मेरे पास कोई लेक्चर भी नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं है आपके लेक्चर की, और मेरा आज फर्स्ट लेक्चर था आपके साथ। ठीक है, आपको मैं एनरोल कर लेता हूँ। और एलएमएस पे ना सारे सभी लेक्चर्स ही पढ़े हुए हैं, रिकॉर्डिंग भी पढ़ी हुई है, रिकॉर्डिंग का लिंक पड़ा हुआ है गूगल ड्राइव के फोल्डर का, तो वो आपको मैं एनरोल कर दूंगा आज। सर मैं सेक्शन ए में एनरोल हुई हूं, लेकिन उसमें कुछ शो नहीं हो रहा था, बी में आपने अपलोड किए हैं। हाँ बी मैंने किया हुआ है, देखा सिर्फ आप ही हैं सेक्शन ए में। जी ठीक है सर। ठीक है बेटा, आप सब लीव कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।